हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 के लिए चैप्टर एक्सरसाइज 7D यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये क्रय और विक्रय से संबंधित यहाँ पर सवाल दिए हुए हैं, इनको हल करना है। सबसे पहले हम इनके फार्मूलों को देखते हैं, ठीक। लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। अगर आपको लाभ ज्ञात करना होगा तो विक्रय से क्रय को माइनस करना है। अगर हानि निकालनी है तो क्रय मूल से विक्रय मूल घटाया जाता है। उसके बाद अगर लाभ परसेंट ज्ञात करना है तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल, और हान परसेंट के लिए हान गुणे 100 बटे क्रय मूल। इसके बाद डायरेक्ट ये फार्मूले हैं। अगर आपको क्रय मूल पूछा जाता है और लाभ परसेंट दिया हुआ है, लाभ परसेंट और विक्रय मूल दिया हुआ है, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। क्रय मूल बराबर विक्रय मूल गुणे 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट। अगर हान प्रतिशत दी हुई है और विक्रय मूल दिया है तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। क्रय मूल बराबर विक्रय मूल गुणे 100 बटे 100 माइनस हान प्रतिशत। इसके बाद अगर आपको विक्रय मूल निकालना है और क्रय मूल और लाभ परसेंट पता है तो हम लगाएंगे विक्रय मूल बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणे क्रय मूल बटे 100, और इसी तरह से विक्रय मूल हान परसेंट का माइनस कर देंगे। अब इसके बाद आप लोग देखिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, मोहन ने एक टेलीविज़न सेट 10,200 में खरीद कर 2 वर्ष बाद रुपये 11,730 में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें जो आपको दिया रहता है उसको लिख लीजिए। जैसे दिया है कि एक टेलीविज़न सेट खरीदा, खरीदे मतलब क्या हुआ, क्रय मूल। तो आपको क्रय मूल यहाँ पर दिया है, क्रय मूल दिया है 10,200 रुपये, और उसके बाद वो 2 वर्ष बाद उसी सेट को बेच देता है, यानी विक्रय मूल दिया हुआ है 11,730 रुपये। अब आपको इसमें देखना है कि आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही। आपने 10,200 का ख़रीदा था और 11,730 का बेच रहे हैं, इसका मतलब आपको इसमें लाभ हो रहा है। इसलिए लाभ का फार्मूला लगाएंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल से क्रय मूल को घटा देंगे। घटाने पर जो आंसर आएगा वो आपका लाभ होगा। लाभ 0, ये 3 से 0 घटाएंगे 3, ये 4 से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ 11 से 10 घटाएंगे तो 1, ये आपका लाभ निकल आया, ठीक। अब इसके बाद लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट का फार्मूला आपके पास ये दिया हुआ है, इसी में लगाएंगे। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ यानी 1530 गुणे 100 बटे क्रय मूल कितना है, 10,200, तो 10,200। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पर पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब 102 का और 1530 का भाग करना है, तो इसको भाग करेंगे 102 से। भाग कर लेते हैं इधर, तो 102 भागे 1530, 102 एकम 102, यहाँ पर बचा 1 5 0, यहाँ पर 5 बार जाएगा, 5 दुनी 10 और 5 एकम 5, यानी कि 15% लाभ हुआ। तो 15% आपका आंसर आ जाएगा, जो उसे 2 साल बाद मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख रुपए में खरीदे। कितने बैल? 10 बैल खरीदे उसने, और यदि उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 10 बैल की बात हो रही है, तो 10 बैल का क्रय मूल दिया हुआ है, तो क्रय मूल लिख लेते हैं। क्रय मूल्य ये आपको 10 बैल का दिया हुआ है, 3 लाख रुपए, ठीक। और वो प्रति बैल 24,000 के हिसाब से बेच रहा है, तो 10 बैलों का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 10 बैलों का विक्रय मूल्य
यानी 10 से गुणा कर देना इसको, 24,000 को 10 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये 240,000 रुपये, यानी 240,000 रुपये के 10 बैल उसके बिके। अब उसने 3,00,000 खरीदे थे और 240,000 का बेच रहा है, इसका मतलब उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यहाँ पर पहले हानि निकालेंगे, हानि हानि बराबर क्रय मूल से विक्रय मूल घटाया जाता है, 3,00,000 माइनस 240,000, यानी ये निकल आएगा 60,000। 60,000 को 60,000 रुपये की उसको हानि हुई। अब इसके बाद परसेंट निकालना है, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत का फार्मूला दिया हुआ यहाँ, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल, तो हानि कितनी है 60,000 गुणे 100 बटे क्रय मूल कितना है 3,00,000 रुपये, तो 3,00,000। अब इसके बाद जीरो, इसमें 5 जीरो हैं, ऊपर से 5 जीरो काट देते हैं, यहाँ पर 2 और 3 5, यानी 60/3 तो 20% की इसको हानि हुई, हानि प्रतिशत 20% हानि होगी। अब नेक्स्ट नंबर, इसमें एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी रुपये 5,000 में खरीद कर 14.2% लाभ लेकर राकेश को बेचता है, राकेश ने वो अलमारी कितने रुपए में ख़रीदी, यानी आपको यहाँ पर विक्रय मूल निकालना है, तो विक्रय मूल वो लाभ का फार्मूला यहाँ पर ये वाला लगाएंगे, यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत 14.2 यानी 14 × 28 1,29/2 इसको भाग करेंगे तो 14 × 1 = 2 2×2 = 8 14.5%। अब फार्मूला लगाते हैं विक्रय मूल, विक्रय मूल बराबर 100 + 14.5 गुणे क्रय मूल 5,000 रुपये है, 5,000/100। अब यहाँ पहले 2 जीरो इधर काट देंगे, इधर जोड़ेंगे तो 114.5 गुणे 50। अब इसी का गुणा करा देना है, 5 से गुणा करते हैं, 5×25 5×20 और 2×22 5×5 = 2 7 5×5 और ये 0 एक अंक बाद दशमलव था तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो 5,725 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल बराबर 5,725 रुपये, यानी 5,725 रुपये तो का बिकेगी अलमारी। अब अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 15 कुंटल गेहूँ रुपये 980 प्रति कुंटल के भाव से ख़रीदा, गेहूँ में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा, गेहूँ का विक्रय मूल निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्रय मूल देखते हैं क्या दिया है, क्रय मूल 15 कुंटल गेहूं और 980 के हिसाब से, तो यहां पर क्रय मूल 15 कुंटल है तो 980 का गुणा कर देंगे तो ये 15 कुंटल के रेट यानी क्रय मूल निकल आएगा, 15 × 0 = 120 × 8 = 135 × 12 = 147 ये हो जाएगा क्रय मूल्य, इतने रुपए का उसने 15 क्विंटल गेहूँ ख़रीदा। अब इसके बाद घुन लग जाने के कारण उसको 5% हानि पर बेचना पड़ा, तो यहाँ पर हानि प्रतिशत दी हुई है 5%, और आपको विक्रय मूल निकालना यानी हानि प्रतिशत और विक्रय मूल का फार्मूला यहाँ से लगाएंगे, तो विक्रय मूल बराबर 100 - 5 गुणे
147/100। क्या दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इधर बचेगा 95 × 147। इसका गुणा करा देंगे, 147 × 95, 5 × 35, 5×22 = 20 और 5 × 5 = 7, 9 × 7 = 63, 9 × 4 = 36, 36×6 = 42 और 9 × 1 = 13, तो आ जाएगा 5 5 9 3 1। तो यहाँ पर निकल आएगा 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 20 और 3 हासिल आए 23 हो गए, ठीक। और 5 × 5 = 2 = 7, इसके बाद 9 से गुणा करते हैं, 9 × 7 = 63, 63 6 हासिल हुए, 9 × 4 = 36, 6 = 42, 9 × 9 = 13, 5 6 9 3 1, 13,965। तो 13,965 रुपये में गेहूँ बिका।